हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है फ्राइडे और सुबह सुबह नायका का एक पार्सल आ गया था जो मम्मी ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुकी है, बट मैं दिखा देती हूँ उसमें क्या क्या था। स्क्रीनशॉट कोई आया है देख लेते हैं उससे पहले। तो मैं जब जैसे बोल रही थी कि मेरे नायके का पार्सल आया था, बीच में फिर एक अमेजोन का भी पार्सल आया और फिर बेबी उठा था तो उसको मैं अच्छे से ऑयल मसाज करके स्पॉन्ज बाथ दे दी हूँ और अभी सो गया है वो। उसका मसाज और स्पॉन्ज बाथ देने के बाद वो बहुत रिलैक्स हो जाता है, तुरंत ही सो जाता है। तो वो हो गया है। और जो मैं अभी शेयर कर रही थी, इस बार मैं मंगाई हूँ एक नया शैम्पू, ट्राई कर रही हूँ नैक का, नेचुरल्स का। ये है फर्मेंटेड राइस वाटर एंड बैम्बू शैम्पू, और उसी का मैं कंडीशनर भी मंगाई हूँ सेम ट्राई करने के लिए फॉर अ चेंज। क्योंकि होता है क्या है, एक शैम्पू रिपीटेडली यूज़ करो तो उसके बाद उसका इफेक्ट नहीं दिखता है। तो मैं बायोलेज का यूज़ कर रही थी इस बार भी। मैं नायका ओपन की थी बायोलेज के ऑर्डर करने के लिए, फिर आता है ना पॉपअप एड्स तो उसमें आया। तो मैं देखी एक बार ट्राई करके देखती हूँ, अगर सूट किया तो अच्छा है। और मैं हमेशा जिसका शैम्पू यूज़ करती हूँ उसी का कंडीशनर यूज़ करती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। और मेरा टोनर भी ख़त्म हो गया था तो मैं प्लम का यूज़ कर रही थी, बट अभी मैं फिर से एक चेंज की लोटस का मंगाई हूँ। टोनिंग एसेंस है, ब्राइटन्स एंड हाइड्रेटिंग हाइड्रेट स्किन। तो देखती हूँ उसका क्या मतलब इफेक्ट होता है। मैं प्लम का यूज़ कर रही थी, वो भी अच्छा था, बट मुझे मतलब उतना कुछ विजिबल रिजल्ट नोटिस नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं चेंज कर रही हूँ। अब देख, लोटस तो एनीवे स्किन के लिए अच्छा होता है तो वही ट्राई करना है। और जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये नायका का स्किन पोशन ग्लो सिरम। मुझे ये बहुत दिन से शौक था लेने का, क्योंकि मैं दो सिरम यूज़ कर रही हूँ, एक फ़िलहाल मामा अर्थ का एक और एक विटामिन सी है। वो मैं एक्चुअली लाना भूल गई हूँ, घर पे छूट गया है वो, शायद था प्लम का था। हाँ प्लम का था, तो वो अच्छा है, मुझे सूट कर रहा था, बट उतना मामा अर्थ का मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वो इफेक्ट हो रहा था, तो वो भी ख़त्म होने को है। तो मैं सोची नायका का बस स्किन पोशन ट्राई करके देखती हूँ, मैंने मंगाया है। तो ये रेडी हो गया फॉर यूज़। इसमें इसका इंस्ट्रक्शंस होगा शायद, मैं देख लूँगी, देखती हूँ कि कैसा है इफेक्ट। और ये है पोना माच भाजा जो बैंगलोर में मुझे नहीं मिलता था, यहाँ पर आज पापा लेके आए तो मम्मी को बोली मैं फ्राई करके तो मैं ऐसे ही खाऊंगी बिना करी का, तो वही अभी खा रही हूँ। और आज लंच तो बड़ा है लेकिन फिर भी भोगेर खिचड़ी आया है तो मैं आज वही खा रही हूँ, खिचड़ी मिक्स वेज का सब्जी और पायस। बूंदे मैं नहीं खाती हूँ, मुझे ये मिल गया मेरा फेवरेट चीज़। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सब नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर।